जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। एंड मेरे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए डालती हूं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डालती हूं। तो अभी क्या आ रहा है, अभी आ रही है ईद। अब आप कहोगे अरे तुम तो हिंदू हो, तुम ईद के बारे में बात कर रहे हो। भाई हम ऐसे घरों से ही पैदा हुए हैं, हम ऐसे माहौल से ही पैदा हुए हैं जहां पे हम सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे माँ बाप ने, हमारी सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इवन हमें एक स्लोगन दिया जाता था स्कूल में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मैंने बचपन से यही सीखा है और जो लोग मुझे, मेरे चैनल को करीबन 8-9 साल से फॉलो करते हैं, उनको पता है कि इस चीज को मैं प्रैक्टिस भी करती हूं और ये चीज हमें, मतलब इन अ वे सिखाई गई है बचपन से। तो मैं यहां, मेरे हजारों मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हजारों क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, हजारों कई और कम्युनिटीज के फ्रेंड्स हैं और हम खूब, मतलब हर चीज को साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं नो मैटर व्हाट। एंड ऐसे ही दुनिया में होना चाहिए। अभी कमिंग बैक टू ईद, तो मैंने ईद का टॉपिक आज क्यों चुना, क्योंकि यहां की ईद मुझे बड़ी रूखी रूखी लगती है। दुबई में हम रहते हैं, यहां ईद पे क्या होता है आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यहां ईद पे ठीक है, नमाज तो अदा होती है, लोग जो जाते हैं नमाज के लिए, उसके अलावा यहां पे सिर्फ मॉल्स में शॉपिंग होती है या इवेंट्स होते हैं। यहां सड़कों पे कोई बाजार नहीं लगते, यहां जैसे हमारे वहां मेहंदी वाले होते हैं सड़कों पे बैठे हुए, वो नहीं होता सड़कों पे। यहां पे ओपन बाजार, जैसे ओपन फूड बिकता है इंडिया में, वो नहीं बिकता। तो ये सारी चीजें यहां पे, मतलब आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको लगेगा ही नहीं ईद है। हाँ, जब आप किसी मॉल में जाओगे, वहां बैनर लगे होंगे, वहां पे डेकोरेशन हुई होगी, तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, या हमारे घर के इनफैक्ट बैक साइड पे ही बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे घर के इमीडिएट पीछे ही रहती है, और बिलीव मी जो रौनक वहां पे लगी होती है, मैं स्पेशली घर से निकल के, मैं आज छुट्टी से भी जाती हूं तो मैं स्पेशली वहां पे जाती हूँ पीछे, क्योंकि उनका खाना, मतलब, और वो जिस तरह से हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार ना हम इंडिया गए हुए थे, तो अमित को, यू नो, उसको तो नॉनवेज खाने का बड़ा शौक है, तो उसने मुझे कहा कि ममता हम ना जामा मस्जिद वाली साइड जाएंगे। तो मैं क्या अकेले नहीं जाते, फिर हम अपने कुछ एक रिलेटिव्स को भी साथ ले लेते हैं। तो हमने अपने कुछ एक रिलेटिव्स को भी साथ में लिया, गाड़ी भर के हमने चले गए हम जामा मस्जिद की तरफ। और वहां पे आई थिंक उस टाइम रमजान ईद का जो भी ओकेजन कुछ तो था, लेकिन बाजार पूरा ऐसे सजा हुआ था ना, मतलब जैसे दुल्हन को सजाया हो, लाइटें लाइटें सब जगह, जगमग जगमग, सड़क के ऊपर ही खाने पीने की एंडलेस वैरायटी, मतलब एंडलेस का मतलब छोटी छोटी रेड़ी से लेकर, रेस्टोरेंट्स तो खैर भरे हुए थे लोगों से, बट रोड साइड फूड, उसकी खुशबू, इमेजिन करो, बंदे को भूख ना भी लगी हो तो भी उसको भूख लग जाएगी। पान की दुकानें सजी हुई, मेहंदी वाले हजारों बैठे हुए और बहुत सारे लोग मेहंदी लगवाते हुए, जिसे हम हिना भी कहते हैं। और उसके अलावा, मतलब एक ना फील होती है हमारे वहां पे फेस्टिवल्स की, कि पता चलता है कि यार हाँ फेस्टिवल है। और जब शाम को, मुझे याद है रोजा, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, जब रोजा खत्म होता है ठीक है, इफ्तारी का टाइम आता है, तो उस टाइम पे वहां पे ना पटाखे बजाए जाते हैं, मतलब लिटरली लोग वहां पे बम धमाके करते हैं शाम के टाइम में। सो रौनक ही बिल्कुल अलग तरह की होती है। कि अगर एक बात मैं कह सकती हूं, अगर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं ठीक है, तो घूमने के लिहाज से भी अगर कोई भी मुस्लिम दुनिया के, आई एम श्योर पूरी जगह टूरिस्ट जाते हैं, तरह तरह की कंट्रीज देखना चाहते हैं, बट आई वॉन्ट टू मैंशन हियर, अगर एज अ मुस्लिम अगर आपको रियल में, यू नो, अच्छी मॉस्क देखनी है, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट जामा मस्जिद। इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल मॉस्क, मतलब अमेजिंग लुकिंग है। और अभी तो खैर गवर्नमेंट और भी सारी मस्जिद जहां पे भी हैं उनको और भी ज्यादा टेक केयर कर रही है, और रिपेयर वगैरह टाइम पे होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होती है। तो मतलब एज अ मुस्लिम अगर कोई भी दुनिया का बंदा मेरी आवाज सुने इस वीडियो के थ्रू, तो यू मस्ट डेफिनेटली विजिट इंडिया एंड विजिट जामा मस्जिद। कि थैंक गॉड आई एम फ्रॉम अ कंट्री जहां पे सारे धर्मों को इतनी इज्जत दी जाती है, और हर धर्म अपने हिसाब से कोई भी सेलिब्रेशन वहां पे खुलेआम करते हैं। सड़कों के ऊपर अगर होली मनाई जाती है, अगर सड़कों के ऊपर लोग दिवाली मनाते हैं, तो इक्वल से भी ज्यादा रौनक रमजान के टाइम में और ईद के टाइम पे वहां होती है। और मेरे ख्याल से अगर आपने नहीं देखी तो आपको जरूर जाके देखनी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैं मिस करती ही करती हूँ, जैसे इंडिया में हम रहते हैं ना, तो वहां पे हमारे जो भी मुसलमान भाई बहन आसपास हमारे पड़ोस में रहते हैं,
हमारे घर में, मतलब पूरे ईद के टाइम में और पूरे रमजान के टाइम में उनके घरों से फ्रूट, खाने पीने का सामान, बिरयानियां, वैसी बिरयानी यार हम कभी बना ही नहीं सकते जैसी बिरयानी उनके घरों में बनती है, क्योंकि हमारे घरों में मेजोरिटी हम लोग वेजिटेरियन रहते हैं। बहुत सारे हिंदू फैमिलीज हैं जो वेजिटेरियन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी वेजिटेरियन है जो कहते हैं ना चिकन चिकन साइड कर दो और कोई बात नहीं, हम राइस राइस खा लेते हैं। तो आई थिंक हम थोड़ा सा उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो घर में बिरयानियां भिजवाते हैं और फ्रूट वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, या जो भी मीठा वो घर पे बनाते हैं तो वो हमारे घर में भी भिजवाते हैं। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ। बचपन में मैं तो गुरुद्वारे में लंगर भी बनाती थी, मैं चर्च भी जाती थी, और हमारे मोगा में इतना बड़ा चर्च है, और मेरे घर वाले हम मसीतों पे भी जाते थे। कई मसीतें हमारे घर से इनफैक्ट 1.5 घंटा दूर भी होती थी, तो मेरे पेरेंट्स स्पेशली हमें लेके बच्चों को साथ जाते थे माथा टिकाने के लिए, चद्दर चढ़ाने के लिए। तो हमने बचपन से यही प्रैक्टिस किया है। और जब मैं लोगों की ऐसी वीडियोस देखती हूँ और वो बोलते हैं कि नहीं जी इंडिया में तो इस कम्युनिटी के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो दिल को बड़ा बुरा लगता है सुन के कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। हम जैसे लोग भी तो हैं, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू फैमिली से हूँ, हमने तो ऐसा कभी जिंदगी में इंडिया में कहीं होता नहीं देखा। इक्वल रिस्पेक्ट है, अगर हम कोई धर्म के हिसाब से कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं तो इक्वल राइट्स होने चाहिए, और हैं भी इंडिया में, कि मुसलमान भी अपने सारे जो धर्म के अनुसार जो भी चीजें सेलिब्रेट करते हैं वो करते ही हैं। और बाकी गवर्नमेंट ने अभी 22,000 करोड़ रुपए लगाए हैं माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा जिसको बेनिफिट हुआ है वो मुस्लिम कम्युनिटी ही है, और बनता भी है। हम सब ह्यूमन है, कोई हम में डिफरेंस नहीं है। अब मैं हिंदू कोई झंडा उठा लूं, कोई मुसलमान है, तो हम सब बराबर है। मेरा ये वीडियो में आप सबको ये दूसरा साइड इंडिया का दिखाने का रीजन यही है कि मैं इतने सालों से वीडियोस बना रही हूं, आज नहीं, और आपने मुझे भी देखा है। क्या मैंने कभी कहा है कि कोई मुसलमान खराब है? कभी जिंदगी में नहीं कहा, क्योंकि हमें ये चीजें ना सिखाई गई, ना दिखाई गई, ना पढ़ाई गई, ना हमने प्रैक्टिस की। हमें यही दिखाया गया और सिखाया गया कि बेटा कोई बात नहीं, एक खाली खाना है उसमें एक मुसलमान भी तुम्हारे साथ खा सकता है, एक क्रिश्चियन भी खा सकता है, तुम एक हिंदू हो तो भी खा सकते हो, कोई और कम्युनिटी का है, सिख है तो भी खा सकता है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं, मैं यहां पे भी गुरुद्वारे भी जाती हूं, मैं यहां पे हम मॉस्क भी गए हैं, शेख जायद मॉस्क, हम हर जगह जाते हैं। तो ये जो लोग खामखा की वीडियोस बना बना के इंडिया का नाम बदनाम करते हैं, उस चीज से डेफिनेटली मुझे बहुत परहेज है। तो आई थिंक दे शुड नॉट डू दैट। कभी भी कोई फैमिली कहते हैं ना खुश होती है, तो उसको तोड़ने वाले बाहरी लोग जो होते हैं वो बैठे ही होते हैं ताक लगा के कि हम इनको तोड़ें, ठीक है। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोग बाहर से सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इनको तोड़ा जाए, तो रिलीजन का मैटर बार बार बीच में लाते हैं, जो चीज मुझे बहुत अपसेटिंग लगती है। क्योंकि जब मैं उन्हीं उनकी वीडियोस को देखती हूं तो उसमें मुझे कोई मतलब दोनों तरफ की बात नहीं लगती, वो हमेशा लोगों को ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं कि जी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो रहा है इंडिया में कि किसी को आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, या किसी सर्टन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या सर्टन कम्युनिटीज को पढ़ने से रोका जा रहा है या आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, एंड इफ आई कंपेयर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल मुस्लिम्स उतने नहीं हैं जितने इंडिया में हैं, और मोस्टली लोग खुश हैं। एक सर्टन लोगों को छोड़ के जो हमेशा सिर्फ नेगेटिव्स को पिक करते हैं, बाकी सब खुश हैं, बिजनेसेस में खुश हैं, अपने कामों में खुश हैं, इंडिया के साथ खुश हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये जो चंद लोग सिर्फ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आई ऑनेस्टली फेल टू अंडरस्टैंड के व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दैट। मुझे गुस्सा आता है उनकी वीडियोस को देख के, बट एनीवे हम इंसान कर क्या सकते हैं, सिर्फ लोगों को बता ही सकते हैं कि भाई देखो अपना एक तरफ का हमेशा सुन के ही उसको सच मत मानो, दोनों तरफ की चीजों को परखो, जांचो, फिर उस पर बिलीव करो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल किए जाते हैं जानबूझ के, जो नकली मेडन अप होते हैं, एक क्राउड को एक सर्टन वे में दिखा के, उसके ऊपर सबटाइटल कुछ और लगा के, या पूरी बात को अधूरी बात बना के, आधी वीडियो को कट करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये झूठे सच्चे बयानों को जोड़ जोड़ के लोगों के मन में एक दूसरे के लिए हेट मत क्रिएट करो। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सारे एक हैं, प्यार से और मोहब्बत से हमें रहना है। औलाद चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बच्चे बच्चे हैं, वो प्यारे मासूम बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि आज वो मुसलमान के घर पैदा हो रहे हैं, हिंदू के घर पैदा हो रहे हैं, क्रिश्चियन के घर पैदा हो रहे हैं, या किसी और धर्म के घर पैदा हो रहे हैं। तो हमें हक नहीं है कि हम उन बच्चों के मन में कोई कड़वाहट भरें या उनको हम कुछ गलत सिखाएं।
ऐसा होता तो क्या दुनिया भर के मुसलमान एज अ टूरिस्ट इंडिया में आते मॉस्क्स को घूमने के लिए? आपको पता है कितना टूरिज्म सपोर्ट किया जा रहा है, रेलवे की तरफ से भी मतलब बहुत सारे ऐसे पैकेजेस निकाले जाते हैं स्पेशल ऑफर्स में, मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत सारी ऐसी ऑफर्स निकाली जाती हैं हज के लिए या उमरा के लिए। आपको ये पता है कि नहीं पता? मुझे नहीं पता कौन से देश की लोग नेगेटिव बातें करते हैं। जहां से मैं आती हूं, मैंने वहां अपना सारा बचपन गुजारा और जो मैंने अपने देश में देखा, और आज भी मैं एवरी 2 to 3 months मैं इंडिया जाती ही जाती हूं। इसी वजह से मैं दूर किसी कंट्री शिफ्ट नहीं होती, बिकॉज आई लव माई कंट्री, आई लव टू गो बैक टू इंडिया ऑल द टाइम। और वहां पे अगर गुरुपूरब, अगर क्रिश्चियन कोई अपना त्यौहार मनाते हैं, गुरुपूरब मनाया जाता है या दिवाली होली कोई भी चीज मनाई जाती है, उसके बराबर या ज्यादा की रौनक रमजान पे भी मैंने देखी है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं अपने देश के बारे में, भाई जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद मत करो। कम से कम लोगों को, अगर आप सच नहीं कहना चाहते तो आप झूठ भी मत बोलो, लोगों को गुमराह मत करो, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज वीडियोस के जरिए पास ऑन मत करो। आई नो सबके हाथ में फोन्स हैं आजकल और किसकी मर्जी होती है, कुछ भी मुंह उठा के बोल देता है, बिकॉज इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है। लेकिन बोलने से पहले ये सोचें कि उसका आपकी इमेज एज ए इंडिया वो चीज कितना उस चीज को खराब कर देती है, यू बीइंग इंडियन आपकी इमेज कितनी खराब करती है वो सारी चीजें। सो प्लीज उस चीज को भी मद्देनजर रखें। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, लोग विजिट भी करते हैं, टूरिज्म भी आता है और इक्वल राइट्स हैं सबको, ये चीज मैं आपको बता रही हूं। जिसको नहीं मेरे पे बिलीव वो जाके देख ले। तो चलिए आज मैं बस थोड़ा सा दिल हैवी था मेरा, कुछ चीजें मेरे सामने आंखों से निकली तो आज मेरा ऐसे ही दिल किया कि चलो बात की जाए कि नहीं भाई कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हमें प्यार बांटना है, हमें ह्यूमैनिटी बांटनी है और हमें एक साथ मिलके चलना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और आपका इसके ऊपर क्या व्यू है मुझे बताना मत भूलिएगा इस वीडियो के नीचे।